मैंने अहिल्या की ऑडिशन एक्चुअली 2020 में लॉकडाउन के पहले दी थी, जब प्रोडक्शन हाउस का बहुत ग्राउंड लेवल पे सब कुछ चल रहा था अबाउट द शो. फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा, फिर मैंने भी एक रीजनल डेली सोप किया, और फिर उसके बाद जब वो मेरा शो ख़त्म हो गया सेकेंड लॉकडाउन के टाइम पे, तब इन्होंने मुझे वापस ऑडिशन के लिए पूछा, तो मैंने दी ऑडिशन. फिर एक बार मुझे पूरा कॉस्ट्यूम में, मतलब अदिति जैसे शेला उसका लेती थी विद दैट चीरी एंड वो लुक में मुझे देना था, तो मैंने वैसे भी ऑडिशन दी. और तब मैं थी गांव में, तो उन्होंने मुझे फिर कॉल करके बुलाया कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड सो यू हैव टू कम टू मुंबई, क्योंकि हमें तुम्हारा लुक टेस्ट और मॉक शूट करना है. तो फिर मैं आई, फिर यहाँ पे मैं लुक टेस्ट के लिए आई, तो लुक टेस्ट के लिए बहुत सारी अहिल्या थी, बहुत सारी उंदा आर्टिस्ट थी, तो मुझे ऐसे लगा था कि ओके इतने लोग हैं, मैं भी हूँ, पता नहीं, होपफुली यू नो गॉड कुछ तो कर दो करके ऐसे, क्योंकि बहुत महंगी टिकट लेके मैं आई थी गांव से यहाँ पे, तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि महाराष्ट्र तो बंद था वो टाइम पे, तो जितने भी फ्लाइट्स थे वो सब कम हो गए थे, और जितने सीट्स थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, और मैं वैसे आई एंड आई वाज लाइक रियली प्रेइंग टू गॉड कि यू नो हो जाए करके ऐसा. फिर लुक टेस्ट हुई, फिर मॉक शूट हुई, फिर मॉक शूट भी एक्चुअली चार अहिल्या और चार खंडेराव ऐसे हुए हैं, मतलब वी वर मेड ऐसे जोड़ी बनाई गई थी, और हाँ मतलब एक खंडेराव एक अहिल्या, फिर खंडेराव दूसरा अहिल्या, खंडेराव दूसरी अहिल्या, ऐसे चार बॉयज़ चार गर्ल्स ने हम लोगों ने मिल के मॉक शूट दिया है. तो वो मॉक शूट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने तो कुछ देर के लिए ऐसे थोड़ा सा बीच में टाइम चला गया जहाँ पर आई वॉज वेटिंग फॉर द कॉल, बट आई वॉज वेटिंग यू नो कैसी प्रोसेस होती है कि वो लोग भी डिस्कस होता है, चैनल तक भी डिस्कशन जाते हैं, सारी बातें हुई. फिर और एक मॉक शूट हुआ जहाँ पर एक खंडेराव था और दो अहिल्या थी, तो एंड या ऑल द आर्टिस्ट वर रियली गुड, रियली यू नो द अमेजिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस. आई वॉज रियली स्केयर्ड एंड नर्वस कि ओ माई गॉड लाइक इतने सब बड़े लोग हैं यहाँ पे, मैं कैसे करूँगी, मुझसे होगा तो होगा ना करके, ऐसे कहीं से गलती ना हो जाए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए. एंड बाकी सब लोग तो थे तो वो तो लाइक दे वर लाइक ऑल दे आर रियली अमेजिंग एक्टर्स, आई वॉज रियली स्केयर्ड रियली नर्वस. बट फिर वो सेकेंड मॉक शूट के बाद आई गॉट अ कॉल सेइंग दैट यार मैं कर रही हूँ ये पार्ट, और मैं तो मतलब आई वॉज एक्साइटेड एंड हाँ मतलब मैं बहुत, मैं अभी तक याद है वो फ़ोन कॉल जो मेरे मुझे आया था. तो फिर या फिर उसके बाद फिर हमारी फ़ोटोशूट्स हुई कि यू नो टू एंड पेज के लिए या जो भी कैरेक्टर्स के लिए फ़ोटोशूट होता है वैसे हुआ इन द कॉस्ट्यूम. देन उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, वर्कशॉप्स हुए हमारे डायरेक्टर्स के साथ, तो ऐसी सारी चीज़ें मेरी ऐसे ऑडिशन प्रोसेस थी. और ऑडिशन देते समय मुझे से याद है कि मैंने बहुत अलग ऑडिशन दिया था, जो अभी मैंने अहिल्या का कैरेक्टर जो किया है वो तो मैंने खैर यू नो अदिति ने एक पॉइंट तक ला के उस कैरेक्टर को रखा था, तो मैं कम्प्लीटली खुद का फ्लेवर वहाँ पे नहीं ला सकती थी, मुझे उसके भी थोड़े से चीज़ें याद में रख के इस कैरेक्टर को आगे रखना चाहिए था, क्योंकि मेरा यही कोशिश था कि अगर उसने अहिल्या किया है इतने महीनों तक तो वॉट शी इज़ प्लेइंग एंड वॉट आई विल प्ले ये कम्प्लीटली अलग अलग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी बिलीवेबल टू द ऑडियंस कि हाँ यही लड़की बड़ी होके ये हुई है. तो मेरी वो एक छोटी सी कोशिश थी कि यू नो मैं थोड़ा सा उसने जहाँ पे ला के रखा है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ, ना कि अपनी अलग से जर्नी बनाऊँ. वहाँ से मैंने थोड़ा सा पिकअप किया, तो मैंने बहुत सारे एपिसोड्स भी देखे, और मैंने ऑडिशन तो बहुत अलग दी थी, मैंने एकदम पूरे यू नो लाइक अ वेरी स्ट्रांग वॉरियर की तरह मैंने ऑडिशन दी थी. फिर बाद में यहाँ पे आके विद द क्रिएटिव एंड विद द डायरेक्टर एंड वर्कशॉप्स के बाद मुझे फिर वो धीरे धीरे लेयर्स ऑफ हर पर्सनालिटी, फिर जहाँ पे शो में उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें मेंटेन रखी थी उसके कैरेक्टर के लिए, तो वो मुझे धीरे धीरे पता चली. एंड ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें मुझे बहुत हेल्प किया उन चीज़ों ने, और फिर तब जाके आपको वो अहिल्या दिखती है जो जो शो में दिखाई जाती है. सो ऐसी थी मेरी ऑडिशन प्रोसेस एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं हो गई सिलेक्ट, नहीं तो वो फ्लाइट टिकट बहुत महंगी थी सच बताई हूँ. ऊपर से लॉकडाउन एग्जैक्टली, तो मतलब जो कास्टिंग बंदा था है हमारा कुलदीप, उन्होंने भी बोला कि यार तुझे मैंने वहाँ से बुलाया, बाकी सब लोग तो यहीं थे, आई होप हो जाए, नहीं तो यू नो आई रियली फील बैड, लाइक गॉड कुछ तो करना. एंड या